हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंगल करके स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है ये। आप इसे जेंट्स स्वेटर में अप्लाई करो या किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करो। इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है फंदे का, आप चाहे जितने फंदे रखो आपका ये आराम से इजली आ जाएगा। तो ये मेरी राइट साइड, ये मेरी बैक साइड। बहुत ही ईजी पैटर्न है फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ईजी है। और कितने भी फंदे का प्रोजेक्ट हो आपका, आप सब पे इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसे ये बनाना हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से फंदे डाले। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो बॉर्डर बनाने के बाद हम उल्टे की तरफ से फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, ये सारे फंदे को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, पहली सिलाई उल्टा बुनकर कंप्लीट की है। अब देखिए पैटर्न की दूसरी सिलाई, सेकेंड रो भी हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये तो जब भी हम इस डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे, बनाएंगे, तो बॉर्डर बनाने के बाद फिर जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो सीधे की तरफ एक सिलाई सीधा बुनेंगे, एक सिलाई उल्टा। तो दो सिलाई हो गई हमारी। तीसरी सिलाई देखिए, थर्ड रो देखिए। पहले फंदे को तो हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम बुनेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब इसमें ऐसे ही हम फंदे को लपेट लेंगे। ये देखिए, फिर से दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो। फिर से हम वही करेंगे, ऐसे लपेट लेंगे, फिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तीसरी सिलाई हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। हो गई। और फोर्थ रो देखिए, चौथी सिलाई देखिए। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। ये ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा लपेटा वाला फंदा है, धागे को पीछे करेंगे, इसे हम स्लिप कर देंगे, उतार देंगे। ये देखिए, ये इस फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा, धागे को पीछे किया, इसको हम ऐसे ही नीचे गिरा देंगे और इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे किया, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया, इसको स्लिप किया, धागे को आगे किया, एक फंदा उल्टा किया, स्लिप किया, धागे को आगे किया और एक फंदा उल्टा। ये हो गई हमारी फोर्थ रो, चौथी सिलाई। अब देखिए, फिर से हम वही करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब एक सिलाई हम उल्टा बुनेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो बताया, एक सिलाई हम उल्टे की तरफ बुनेंगे, ये, और एक सिलाई हम सीधा बुनेंगे। दो सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर तीसरी सिलाई में हमको वही करना है जो हमने आपको बताया। ये अब देखिए, डिज़ाइन हमारी बनने लगी। ये फिर से हमें वही करना है, एक बार आप और देख लीजिए। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम बुनेंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे लपेट लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। ये फिर ऐसे लपेट के फिर दो फंदा उल्टा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना इजी पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। एक बार फोर्थ रो भी एक बार आप और देख लीजिए। पहले फंदे को तो ऐसे स्लिप कर लेंगे,
दूसरा फंदा उल्टा बुना, धागे को पीछे करेंगे। अब ये देखिए, ये वाले हमको ऐसे ही गिरा देने हैं, इसको हमें सिप करना है। फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे किए, इसे गिरा के ये स्लिप करेंगे, धागे को आगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई। फिर से हम दो सिलाई सीधा उल्टा बुनेंगे। अब यही फोर्थ रो हमको बार बार रिपीट करना है। और जब फोर्थ रो हम बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए हमारा कितना खूबसूरत पैटर्न तैयार होता है, कि जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई करो, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, यही फोर्थ रो हमको सिर्फ बार बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें बताना कि आपको ये पैटर्न कैसे लगा, डिज़ाइन कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।